हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए बेबी का जल्दी से वजन बढ़ाने वाली हेल्दी फूड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे खाने से आपके बेबी को विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, जो कि बेबी के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस फूड को खाने से आपके बेबी को अधिक मात्रा में कैलोरी मिल जाएगी, जिससे आपका बेबी दिन भर में एनर्जेटिक बना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक बाउल में मैंने एक मीडियम साइज कटोरी के बराबर पोहा ले लिया है और साथ ही साथ मैंने दो खजूर ले लिए हैं, खजूर की गुठलियाँ निकाल ली है। अब इसके बाद दोस्तों दो किशमिश ऐड कर लिए हैं और साथ ही साथ मैंने दो काजू ले लिए हैं। अब इसको साफ पानी से दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे और दो से तीन मिनट तक भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो बस दोस्तों, अब इसके बाद आप देख रहे होंगे, एक प्लेट में मैंने आधा केला ले लिया है और एक चीकू ले लिया है। इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट के रख लेंगे। और दोस्तों, बेबी को केला देने से बेबी का वेट बहुत अच्छे से बढ़ेगा, साथ ही साथ आयरन भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और चीकू देने से दोस्तों आपके बेबी को विटामिन सी, ई, ए भरपूर मात्रा में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपका बेबी दिन भर में एनर्जेटिक बना रहेगा। बस दोस्तों, गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर मैंने पैन रख लिया। आप चाहे तो कढ़ाई, पतीला कुछ भी ले सकते हैं। 250 ml के करीब पानी ऐड कर लेंगे। आप इसमें जो पोहा, खजूर, काजू, किशमिश मैंने भिगो के रखे थे उसे ऐड कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम में अच्छे से उबाल आने देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फूड को खाने से आपके बेबी का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बस दोस्तों, यहाँ पर आप बीच बीच में करछी से चेक करती रहिएगा ताकि जो फूड है बेबी का पैन में नीचे ना चिपके। तो 4 से 5 मिनट लगभग हो चुके हैं और पानी की क्वांटिटी देख रहे होंगे आप, कम हो चुकी है और फूड जो है ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों फूड को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर ली है। अब इसके बाद दोस्तों एक मिक्सी ग्राइंडर का जार ले लेंगे। अब इसमें फूड को जो ठंडा हो चुका है उसको ऐड कर लेंगे। अगर आपका बेबी 8 महीने से ऊपर है तो इतनी क्वांटिटी में आप अपने बेबी को फूड दे सकते हैं। अब इसके बाद जो केला और चीकू मैंने काट के रखा था उसको ऐड कर लेंगे अच्छे से और दोस्तों इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, कितने कम समय में और कितनी कम क्वांटिटी से बेबी के लिए घर पर ही सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हो गया है। यकीन मानिए, इस फूड को आप खिलाएंगे तो आप बाज़ार का जो पैकेट वाला सेरेलेक आता है उसे आप भूल जाएंगे और आपका बेबी इसे बहुत चाव से खाएगा और साथ ही साथ आपके बेबी को विटामिन, फाइबर, आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, अब अपने बेबी को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी बेबी है 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरह से मेरी बेबी को पसंद आता है फूड, आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बेबी भी बहुत चाव से खाएगा और 4 से 5 घंटे तक आपका बेबी आपको बिल्कुल भी खाने के लिए परेशान नहीं करेगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।